देर रात तक बीजेपी नेता के समर्थक डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करते रहे। ये नाराजगी, गुस्सा और आगजनी बीजेपी नेता विजय पंडित की सरेआम हत्या के खिलाफ हो रही है। शनिवार रात ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता विजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। पंडित को 5 गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। विजय पंडित की पत्नी गीता पंडित दादरी की नगर पालिका अध्यक्ष है। पंडित की हत्या की खबर सुनते ही दादरी में उनके समर्थकों की भीड़ जुट गयी। इसके बाद गुस्साए समर्थकों ने दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। चेयरमैन मार दिया कसर को। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? यहाँ बवाल हुआ है, ये जाम फाम लग गई। भीड़ को तितर बितर करने पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने जमकर पथराव किया। पुलिस को जवाब में कई राउंड गोलियां चलानी पड़ी। इस झड़प में दादरी के थानाध्यक्ष समेत 15 पुलिस वालों के घायल होने की खबर है। भीड़ पर काबू पाने के लिए आसपास के थानों की पुलिस और पीएससी बुलानी पड़ी। मामला अभी टेंस है, अभी टेंशन है और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हत्या हुई है, उसके बाद ये टेंशन पब्लिक के बीच में है और जो कार्रवाई पुलिस की होती है कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कार्रवाई शुरू होती है। हम लोग इस बात में भी लगे हुए हैं कि जो सुराग लीड्स लोगों से बात करके मिल रहे हैं उन पर भी कार्रवाई करने टीम गठित कर ली है। अभी रात में हम लोग कार्रवाई करेंगे। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पंडित नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा का प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्हें कई बार धमकियां मिली। 2 अप्रैल को उन्होंने दादरी पुलिस थाने में इसकी शिकायत भी की थी। चुनाव के दौरान जो यहाँ क्षेत्र का एक नामी बदमाश है उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे तो उसमें ना करने के लिए और सपा के पक्ष में सहयोग करने के लिए उनको धमकी दी जा रही थी। पंडित की हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। मेरठ रेंज के कमिश्नर, आईजी, डीआईजी और डीएम मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी प्रमुख सचिव गृह को मामले पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ग्रेटर नोएडा का ये वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पर बेखौफ बदमाश अक्सर किसी न किसी को निशाना जरूर बनाते हैं और शायद यही वजह है लोगों के गुस्से की। बहरहाल पुलिस का दावा है कि हालात को नियंत्रित कर लिया गया है और बहुत जल्द आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन वसीम के साथ ब्रजेश तिवारी, दादरी, IBN 7।